हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का मैं आप सभी का आज वेलकम करूंगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एबीएसटी ग्रुप दैट इज अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लेखांकन एवं व्यवसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर आप लोगों के साथ पेपर व्यवसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है उसके डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोविजंस जो है वो डिस्कस करूंगी। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यवसायिक सांख्यिकी का जो सिलेबस हमें दे रखा है, सबसे पहले हम उस सिलेबस को समझेंगे। हमारा जो पूरा सिलेबस है व्यवसायिक सांख्यिकी का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 5 यूनिट में सिलेबस हमारा डिवाइडेड है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वह भी बतलाऊंगी, जिन्हें कि हम हमारी आगे की क्लासेस में जो है वह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, स्टैटिस्टिक्स मीनिंग डेफिनेशन यूज इन बिजनेस लिमिटेशंस, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉट फ्राइड आकेन वॉल द्वारा किया गया था, जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज और एल्जेब्रा, इट मे प्रूव ऑफ यूज एट एनी टाइम अंडर एनी सर्कमटेंसेस। तो समंक किसी अनुसंधान से संबंधित विभाग में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह डेटा के रूप में यानी प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिकल मेथड सांख्यिकी विधि के रूप में होते हैं, जिसमें प्राचीन मत की परिभाषाएं और आधुनिक मत की परिभाषाएं भी दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आप आगे पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन दैट इज वर्गीकरण। वर्गीकरण समंकों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं के आधार पर क्रम या समूह में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबंध भागों में अलग अलग करने की विधि है। फिर पढ़ोगे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति विवरण। यह एक ऐसी तालिका है जिसमें आवृत्तियों एवं चर मूल्य से संबंधित मूल्य साथ साथ लिखे जाते हैं, उसे आवृत्ति बंटन कहते हैं। वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी, चर, आवृत्ति, ये सब इसमें आता है। समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी, काइंड्स ऑफ सीरीज, श्रेणियों के प्रकार, मिड वैल्यू की कैलकुलेशन करना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सब जो है ये आपका टेबुलेशन में आएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब टेबुलेशन ऑफ डेटा दैट इज सारणियन। सारणियन क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित समंकों को खानों व पंक्तियों, रो और कॉलम्स में प्रस्तुत करने की रीति है। यानी सारणी वह साधन है जिसमें वर्गीकरण द्वारा किए गए विश्लेषण को स्थायी रूप से लेखबद्ध किया जाता है और समान व तुलनीय तथ्यों को उचित स्थान पर रखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स मीनिंग डेफिनेशन यूज इन बिजनेस लिमिटेशन, इसमें स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म, जो अभी आपने स्टैटिस्टिकल मेथड समझे वो प्लूरल फॉर्म,
प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में. प्लूरल फॉर्म सॉरी आपका रहेगा डेटा के रूप में, और सिंगुलर फॉर्म स्टेटिस्टिकल मेथड. डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिक्स एज अ डेटा, तो डेटा क्या प्लूरल फॉर्म, और एज अ मेथड यानी सिंगुलर फॉर्म होएगा. फिर हम टाइप्स ऑफ डेटा अगर देखते हैं तो स्टेटिस्टिक्स में टू टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक. प्राथमिक समंक जो है वह समंक कहलाते हैं जो मूल रूप से जिस चीज के लिए शोध किया गया है प्राथमिक रूप से, वह कहलाएंगे हमारे प्राथमिक समंक. मूल रूप से जो है वह इसीलिए यह शोध किया जा रहा है. समंक मौलिक समंक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं. ये सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं, रॉ मटेरियल. जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक समंक, तो ये समंक नकल किए हुए, यानी मूल इस उद्देश्य के लिए मैंने इस डेटा को एकत्रित नहीं किया था, कहीं और सोर्सेस से ऑलरेडी किसी ने इस पे रिसर्च कर रखा था, तो वो डेटा जो है वो हमारा इस पे कलेक्टेड है, उस कलेक्टेड डेटा को मैंने मेरे रिसर्च के लिए यूज़ में लिया. यानी निर्मित माल की भांति, फिनिश गुड्स की भांति होती, क्योंकि ये सांख्यिकी यंत्र में से एक बार गुजर चुके होते हैं. क्योंकि प्राथमिक समंक क्या है, प्राइमरी डेटा अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, अतः ये समंक उद्देश्य के अनुरूप होते हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है. जबकि द्वितीयक समंक, ये समंक अन्य उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित होते हैं, अतः अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्य के अनुरूप इन्हें क्या करना पड़ता है, संशोधित करना पड़ता है. व्यापक तौर पर प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में अंतर केवल डिग्री का है, मतलब अवस्था का है. जो समंक एक पक्ष के लिए क्या है, द्वितीयक है, सेकेंडरी है, वो ही अन्य पक्ष के लिए क्या बन जाते हैं, वो ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक बन जाते हैं. और इसी में आपका क्वेश्चनरीज और शेड्यूल भी आएगा. फिर सिलेक्शन ऑफ सही मेथड का जो है वह सिलेक्शन करना. फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स आएंगे, उसके टाइप्स हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, विवरणात्मक सांख्यिकी. सेकंड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अनुमानिक सांख्यिकी. इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स आगमन सांख्यिकी. विवरणात्मक सांख्यिकी मूल एवं असंगठित समंकों की मौलिक विशेषताओं को प्रकट करने का कार्य सांख्यिकी के जिस क्षेत्र में किया जाता है उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. जैसे संकरकों को डेटास को कलेक्ट करना, उसका संपादन करना, उचित प्रस्तुतिकरण करना. फिर अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अनुमानिक सांख्यिकी को निष्कर्षात्मक सांख्यिकी भी कहा जाता है. किसी भी समंक के प्रतिदर्श के आधार पर उस समंक के बारे में यथोचित एवं विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने का कार्य जिस सांख्यिकी में किया जाता है. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इंडक्टिव आगमन यानी देवीय अवलोकन के आधार पर सांख्यिकी विधियों के माध्यम से सामान्यकरण की प्रक्रिया जिस सांख्यिकी में की जाती है वह आगमन सांख्यिकी कहलाती है. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर फर्स्ट के मेन टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में समझाए हैं. ये जो आपका असाइनमेंट है, सबसे पहले तो आप कंप्लीट सिलेबस जो मैं पिक आपको भेजा है मैंने, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और सेंड कर रही हूँ. वो कंप्लीट सिलेबस आप सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, एक फ्रेश रजिस्टर बनाइए अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आपको फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो है वह पेपर पढ़ाऊंगी. तो टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, नोट डाउन द कंप्लीट सिलेबस एंड रीड द मेन पॉइंट्स ऑफ यूनिट नंबर फर्स्ट. अब आप स्टूडेंट्स, बात ये होती है, आप लोग कहते हैं कि मैडम हम बुक कौन सी लेंगे, कौन से ऑथर की बुक लेंगे. स्टूडेंट, कॉलेज एजुकेशन में यानी आफ्टर ट्वेल्थ वन बुक इज नॉट सफिशियंट. हमें एक या एक से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स लेनी पड़ती हैं. अलग अलग ऑथर्स हैं, वो मैं आपको भले ही नोट डाउन करा देती हूँ. अलग अलग ऑथर बुक्स जो दे रखी हैं उसमें व्यावसायिक सांख्यिकी है,
डॉक्टर शूरवीर सिंह भाणावत। फिर एक बुक आती है व्यावसायिक सांख्यिकी, राव सुथार गुप्ता, एपेक्स पब्लिकेशन की। एक और बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तंबोली धिंग। तो ये जो स्टूडेंट्स अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं, और जो भी मैं आपको और आगे के वीडियो में बतलाती जाऊंगी, तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप किसी भी एक ऑथर की बुक्स जो हैं वो परचेस करें, पर एक से ज़्यादा आपको रेफरेंस बुक रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ताकि कभी किसी बुक से क्वेश्चन और कभी किसी बुक से जो है वह क्वेश्चंस किए जाएंगे। जो सिलेबस है, यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने अभी बताया, सेकंड में सेंट्रल टेंडेंसी आएगा जिसमें मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और डिस्पर्सन दैट इज अपकिरण, उसमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आएगा, उसके बाद में स्क्यूनेस, विषमता जिसमें कार्ल पियर्सन और बाउले का मेजर है। यूनिट नंबर थर्ड, एक हमारा कोरिलेशन एनालिसिस आएगा, एक रिग्रेशन एनालिसिस आएगा, ये बाईवेरिएट डेटा लीनियर ओनली का करेगा, और एक एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आएंगे। जब हम बात करेंगे यूनिट नंबर फोर्थ की, तो यूनिट नंबर फोर्थ में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट का हिंदी अर्थ क्या हुआ? गुण साहचर्य। क्या अर्थ हुआ हिंदी अर्थ? गुण साहचर्य। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का हिंदी अर्थ हुआ है स्टूडेंट्स गुण साहचर्य। सहसंबंध मैंने अभी आपको बता दिया, प्रतीकगमन बता दिया, और यह आपका था गुण साहचर्य। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ में जो आपका मेन टॉपिक है वो है आपका एक तो इंडेक्स नंबर और एक टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर सूचकांक, जिसमें फिशर का सूचकांक, फिशर के सूचकांक को क्यों आदर्श सूचकांक कहते हैं, ये आप लोगों ने डिस्कस 12th में किया होगा, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, काल श्रेणी का विश्लेषण। अब स्टूडेंट हमारा आता है नेक्स्ट, इसके अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह हम कह सकते हैं यूनिट नंबर फोर्थ के अंतर्गत। वापस मैं रिवाइज कर रही हूँ, यूनिट नंबर फोर्थ में तो आपका इंडेक्स नंबर है और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है, और यूनिट नंबर फिफ्थ के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्रायिकता और प्रायिकता बंटन। तो स्टूडेंट्स आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, इस चैनल को, कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज जो मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ वो अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो इस सब्जेक्ट में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो आपका गेनिंग मार्क्स रहेगा, इसमें 100 out of 100 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें, रेगुलर स्टडी करें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।